भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में कई टैलेंटेड लोगों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया। इस लिस्ट में कर्नाटक की ट्रांसजेंडर फोक डांसर मजम्मा जगाती भी शामिल है। बता दें कि मजम्मा पहली ट्रांसजेंडर महिला है जिन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आइए जानते हैं कहानी मजम्मा जगाती की। मजम्मा जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से अपना पद्मश्री लेने पहुंची तो उनका अलग ही अंदाज देखने को मिला। उन्होंने अपने ही स्टाइल में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सर पर साड़ी का पल्लू रखी और कोविंद को दुआएं दी, जिसे देखकर दरबार हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मजम्मा का जन्म कर्नाटक के बेल्लारी जिले में मंजुनाथ शेट्टी के रूप में हुआ था। उन्होंने 10वीं तक पढ़ाई की है। अपनी जीवन यात्रा को साझा करते हुए मजम्मा ने कहा कि मैंने 15 साल की उम्र में खुद को एक महिला के रूप में पहचानना शुरू कर दिया था। जब मैं अपनी किशोरावस्था में एक लड़की की तरह व्यवहार करना शुरू किया तो माता पिता मंदिर में ले गए और एक अनुष्ठान करवाया गया। तभी से मंजुनाथ शेट्टी मजम्मा बन गई और फिर कभी घर नहीं लौटी। हालांकि मजम्मा ने शुरुआत में बहुत मुश्किलें झेली। उन्होंने सड़कों पर पैसे मांगकर गुजारा किया। उन्हें शोषण भी झेलना पड़ा, लेकिन बाद में उनकी मुलाकात कलावल जोगाती से हुई, जिनसे मजम्मा ने लोक नृत्य सीखा और पूरे राज्य में प्रदर्शन करना शुरू किया। कलावल की मृत्यु के बाद उन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाया जो अभी तक जारी है। मजम्मा कर्नाटक जनपद अकादमी की पहली ट्रांसजेंडर अध्यक्ष भी हैं, जो कि एक सरकारी निकाय है। कला के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया।